हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। हफ्ते का दिन है। हसन ने आज स्कूल जाना था, हसन स्कूल चला गया है। डॉगी इज बार्किंग। इसको कोई चैन नहीं है, पूरी रात भौंकता रहता है ये जी। मेरे हस्बैंड छोड़ने गए हसन को। आज सैटरडे है, स्कूल वालों ने बुलाया कि 9th का साल है, उसके सेंड अप्स होने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। शुक्र है मेड आ गई थी, वो सफाई कर गई है। मैंने चादर भी ठीक कर दी है। शुक्र है आ गई। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, रात को मेरी बहुत दर्द हो रहा था कमर में। मैं सो भी नहीं सकी पूरी रात। अब मैं ये लगवाऊँगी अपने हस्बैंड से। ये बहुत फेक टाइम है, इन्होंने US से भेजा था, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत अच्छी है ये। अब मैं लगी हूँ सोने, सो के उठ के मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं उठ गई हूँ, आप सब भी उठ जाओ। इस टाइम भी बज रहे हैं 4। मैं सोई नहीं थी, नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तकरीबन 1 बजे लेटी हूँ। फिर ज़रा लेट उठी, नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ के फारिग हुई हूँ तो लाइट चली गई है। थोड़ी देर बाद, अब तो असर का टाइम है, नमाज़ पढ़ने लगी हूँ असर की। तो मैंने कहा हेलो हाय कर लूँ। और जी, हमारे तो दिन का आगाज़ सुबह हो गया था। अब देखें जो डेली की रूटीन होती है वो शेयर करेंगे। सुबह ही नाश्ता कर लिया था आज मैंने, तकरीबन 10 बजे कर लिया था नाश्ता। मुझे लिटिल लिटिल भूखी लग रही है। तो देखें लाइट आती है तो फिर। हसन भी स्कूल से आके सो गया था, आज उसकी एकेडमी की भी छुट्टी, आज रिलैक्स करेगा। तो फिर देखें लाइट आती है, अब तो नमाज़ पढ़ के फिर लाइट आएगी, देखते हैं। अब तो फौरन ही लाइट आती है, थोड़ी देर बाद मगरिब हो जाती है। ये घर का कल जो मैं सामान लाई थी, जो घर के सामान में सबसे अच्छी मुझे खुशी होती है ना लेने में, ये गरम मसाले की होती है। डब्बे लिए थे थोड़े से, ये इतना सा सामान इतने सारे पैसों का है। ये बिस्कुट है, ये मुझे डॉक्टर ने कहा था, मुझे शुगर डायग्नोज हुई है तो शुगर, उन्होंने कहा था कि ये वाले बिस्कुट खाएं जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे। ये ज़रा गंदम के होते हैं, ये लिए बिस्कुट, बच्चों के लिए भी लिए थे। अब इनको सेट करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। कल मैं मार्केट गई, पार्लर गई, तो मेरी रात भर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। बहुत ज़्यादा पूरी रात में दर्द की वजह से सो नहीं सकी। चलो मैं सामान रखती हूँ यूं करके, ताले तो रखूँगी मैं सारी फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखो ना तो यहाँ पे फंगस लग जाती है, खुली हुई हो और वैसे कीड़ा लग जाता है। ताले में फ्रिज में रखूँ। ऊपर जा रही हूँ, काम था मुझे, इतने दिन हो गए मैं ऊपर गई नहीं हूँ। लाइट जा चुकी है जी, बैटरी लेकर आ रहे हैं। ये मोहित हसन बैटरी लेकर आ रहे हैं ऊपर से नीचे, आयरन का है तो फिर ये नीचे ला के रखेंगे। फिर मोहित ने लेके जाना है पिंडी, ये तो ये दोनों भाई लेके आ रहे हैं नीचे ऊपर से। मैंने कहा ये बोल रहा था कि ये वीडियो रात में, मैंने कहा ये तो मेरा काम है। ये बैठ जी, दोनों बेड आ गए नीचे। नहीं दोनों नहीं आए अभी, ये किया है अच्छी कंडीशन में। चलें ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। मैंने कर लिए सारे काम अपने, बर्तन भी धो लिए हैं, चादर भी ठीक कर लिए हैं, लाइट भी चली गई है जी। बेड लेके आए नीचे, इधर
ये बच्चे बेड लेकर आए हैं नीचे, ये मेरी भाभी ने ऊपर मेरी ऊपर वाली से बाय की है। हाँ जी, अभी आ गई अंदर, लाइट गई भी है और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मेकअप करूँ, लाइट आएगी तो फिर सोचूंगी। हाँ जी, ये मैंने चार लाइट आ गई थी, चादर ठीक कर ली है मैंने, मगरिब का टाइम भी हो गया है, अब नमाज़ पढ़ूंगी मैं। नमाज़ पढ़ के मैंने ये कपड़े प्रेस करने हैं, आज मैंने ज़रा हल्का सा मेकअप का लुक देना है, थोड़ा सा कैजुअल मेकअप का, तो फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं इस्त्री करती हूँ, फिर मैं आपको। मेरे कपड़े हो गए हैं प्रेस, अब मैं निकालती हूँ मेकअप अपना। मेकअप का बैग है, इसमें मेरी सारी चीज़ें मेकअप की, लेकिन अभी मैंने पूरा प्रॉपर मेकअप तो नहीं करना है, मैंने कैजुअल मेकअप करके दिखाना है, तो इसमें से मैं कुछ चीज़ें निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ज़रा लोबिया भिगो दूँ, आज मैंने लोबिया चावल बनाने हैं तो लोबिया भिगो दूँ, फिर मैं ये जी मैंने भिगो दिया है लोबिया चावल मुझे बहुत पसंद है, मैं आज लोबिया चावल बनाऊँगी। इतनी दिन में मेकअप वगैरह करके फारिग होके आती हूँ, फिर चढ़ाऊँगी, तो इतनी आधे घंटे ये भीग भी जाएगी, जल्दी हो जाएगी। फिर मैं कहने लगी हूँ फेस वॉश करके फिर भी सईद करने का नीम फेस वॉश है, ये भी अच्छा है, संदर्भ भी अच्छा है। मैं नीम का फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा है ना जी। इस मेकअप से मैं अपना मेकअप करूँ, ये तो यहाँ से किसने देखना है ना, वो ना मैं इंटेलिजेंट, दुपट्टा भी बस एक साइड से किया था मैंने प्रेस। चले वो फिर मैं अपलोड करूँगी और फिर मैं अपलोड करूँगी थोड़ी देर तक, पहले मैं लोबिया चावल चढ़ा दूँ, चावल नहीं लोबिया, मुझे लोबिया गलने में बहुत टाइम लगता है, फिर मैं मिलती हूँ। चलें जी, आपने मुझे बताना है कि मेरी आपने को मेरा लाइट सा कैजुअल मेकअप कैसा लगा। मैंने कर लिया है मेकअप, उसकी वीडियो मेरी अब एडिट मैंने कर लिया, बस अपलोड करने लगी हूँ। और ये देखिए मेरे कपड़े, अब देखिए था मैंने शलवार नहीं चेंज की, अब नीचे कितना देखना होता है ना, नीचे कितना देखना होता है, बस ऊपर से करके मेरा हो गया था मेकअप। दुपट्टा भी एक साइड से इस्त्री किया, दूसरी साइड से नहीं किया मैंने इस्त्री। चले ठीक है, मैंने ये की है 30+ जो लेडीज़ होती हैं ना उनके लिए, मैंने मेरे बैठे बैठे दिमाग में आया कि 30+ के लिए अपने करती हूँ मैं मेकअप, कि कैसे कैजुअल करना है। मैं इसके बाद मुख्तलिफ कलर्स में भी बताऊँगी कि 30+ लेडीज़ अपने आप को लाइट इन कलर्स में कैसे अपना मेकअप कर सकती हैं। चले 30 के बाद बहुत से लोग ये समझते हैं कि ना औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बेशक उसकी कम उम्र में शादी हुई हो, लोग ये समझते हैं कि ना उसकी ना ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो बुढ़ी हो गई है, क्यों अभी हम जवान हैं जी। हमारे लोबिया चावल हैं, लेकिन ना पता नहीं मेरे कुकर को क्या हुआ है, दो तरह की लोबिया थी, एक तरफ की बिल्कुल गल गई, एक में थोड़ी कसा है। चाय रखती है लेकिन वो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन गैस की प्रॉब्लम, गैस पे चली गई है रात होते ही, देखिए मैं ढक के रख रही हूँ, लेकिन कब तक बनती है चाय, मैं इतनी देर नमाज ही पढ़ लूँ। हाँ जी, खैर ख़त्म, पैसा ख़त्म, कपड़े अब तय करके रखती हूँ और मैं फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। अब मैंने चाय चढ़ा दी है, हसन चाय उतारेगा, इतनी देर में नमाज़ पढ़ रही हूँ। चलें ठीक है, नमाज़ पढ़ के देखते हैं। जी जी, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और ये मॉर्निंग क्रेविंग है। हसन स्कूल चला गया, मुझे लग रही है मेड अभी सफाई करके गई है और मुझे भी लग रही है भूख, तो बस फिर अभी बचिए खा के मैं सो जाऊंगी, नींद आ रही है बहुत सख्त। हाँ जी, मैं सो के उठ गई हूँ फाइनली, अब उठ के पहले करूँगी नाश्ता, नहा ली हूँ मैं, नहा के नमाज़ पढ़ लिया मैं नाश्ता करके, और फाइनली मैं उठ गई हूँ और अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ, नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, नमाज़ भी पढ़ ली है, सबसे इम्पोर्टेंट नमाज़ होती है, मुझे उसकी बड़ी टेंशन होती है कि मेरी नमाज़ ना कज़ा हो जाए किसी तरह, तो नमाज़ वगैरह सब कुछ पढ़ लिया मैं नाश्ता करके, फिर मैं केस वगैरह तय करूँगी रूटीन पे, चादरें ठीक कर ली हैं मैं सोफे की, शुक्र है। चलो फिर मैं नाश्ता करके मिलती हूँ। ये लो जी, हसन जा रहा है एकेडमी, मोहित आज घर पे नहीं है तो
एंड ड्राइव पे जा रहा है। बाबा जा रहा है, आ गई है। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, हसन चला गया एकेडमी, मेरे हो गए सारे काम ख़त्म। अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, फिर उसके बाद कुछ करेंगे, देखो क्या करते हैं जी। आज मैं नहाने के बाद, शायद मैंने फ़ैन चला लिया था क्या, मुझे हो गया था फीवर। मोइज़ भी घर पे नहीं था, उसने सोडा भी नहीं ला के दिया, तो आज खाना फिर यहाँ की दुकान के बैठे बिरयानी मिलती है तो वो मंगवा लिया। हसन अपने मोइज़ अपने मामू के घर गया हुआ है, तो चलिए मिलते हैं। हाँ जी, आज तीसरा दिन है। आज मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि कल मैंने वो मेकअप वाली वीडियो डाल दी थी, तो इसलिए मैंने अपलोड ही नहीं किया। तो आज मैं करूँगी, आज मैं करूँगी व्लॉग का एंड। तो आज मैं आपसे बातें करूँगी, आज मैं आपको बताती हूँ मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। मैंने मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, ख़राब अभी भी है, काफ़ी ख़राब है। तो जब बंदा घर में रहता है डिप्रेशन में चला जाता है, ना कहीं आना ना जाना। पहले मेरी ख़राब थी, मेरी स्पाइन का प्रॉब्लम है, पुरानी है काफ़ी। 2019 में मैं गिर गई थी, तब से मैं काम कर रही थी, चल फिर रही थी बड़ी तकलीफ़ में, लेकिन मैं कर रही थी। अभी जून के एंड में मैं गिर गई बाइक से, तो मेरी स्पाइन इंजरी हो गई थोड़ी सी, जो कि बहुत 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 पेनफुल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा वेट अच्छा खासा है, आपको पता है, देखा होगा, आपको पता चल गया होगा। तो जिसकी वजह से मुझे थायराइड का भी इशू है, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैं मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ मेरी इंजरी है बिल्कुल, जहाँ से स्पाइन स्टार्ट होती है वहाँ पर टेल बोन में, तो इससे मुझे बहुत तकलीफ़ कि मैं ना कहीं आ रही थी ना जा रही थी, घर में बैठे बैठे डिप्रेशन, अजीब सी तबीयत। अभी भी मुझे तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। लेकिन ये व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया तो एक वो ज़रा माइंड ना ज़रा हट जाता है उस चीज़ से, तकलीफ़ से ज़रा हो जाता है, ज़रा खुशी होती है कि मैंने ये बनाना है, मैंने ये करना है। अब जैसे कल मैंने वीडियो बनानी थी, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने ना मेकअप करना है, मेकअप का मुझे वैसे ही बहुत शौक है, मेकअप करना है मैंने, और मैंने तैयार होना है, कपड़े चेंज करने हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी तो पहले ऐसी कंडीशन थी कि मेरी जितनी मर्जी तबीयत ख़राब होती थी, कहीं जाने के लिए ना मैं फ़ौरन, कहीं जाने के लिए गुड़िया फ़ौरन रेडी, सब यही कहते थे कि कहीं जाना है तो, वैसे तबीयत ख़राब है लेकिन कहीं जाना है तो गुड़िया फ़ौरन, राबिया फ़ौरन रेडी हो जाती है। लेकिन अब जो मेरी तकलीफ़ है ना, तो मैं इसे बैठा ही नहीं जाता। भाइयों के घर जो बैठ के जाती हूँ, मुझे वहाँ जाके बड़ी तकलीफ़ होती है, जो इतना रास्ता है 25-30 मिनट का, और अगर ट्रैफिक हो जाए तो और लंबा हो जाए, तब तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, बहुत तकलीफ़ शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ पे वो बच्चे होते हैं ना, उनकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है बिल्कुल, तकलीफ़ ज़रा बंदा भूल जाता है, अपनों को देख के ना तकलीफ़ बंदा इंसान भूल जाता है। तो इस जैसे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो जो थोड़े बहुत लोग मुझे देखते हैं, प्यार करते हैं, जब मेरी फैमिली के जब मेरे व्लॉग नहीं आता तो वो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आया, 2-3 लोग ही हैं वो फ़ोन करके पूछते हैं, मैसेज पे पूछते हैं कि आज व्लॉग नहीं आया, तो बड़ी खुशी होती है मेरे लिए, वो 2-3 ही बहुत हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ उनके लिए और उनके लिए ही बनाती हूँ। वो ये कह रहा, किसी ने सुना था कि ना पूरी दुनिया आपको प्यार करे वो मैटर नहीं रखता, बस 2-3 ही करें वो आपके लिए बहुत है, तो मेरे लिए वो ही बहुत है, मेरे लिए वो 2-3 व्यूज़ ही बहुत है मेरे लिए। तो ज़रा सा काम करती हूँ, बहुत तकलीफ़ शुरू हो जाती है, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, और जब से मैं गिरी हूँ, 4th महीना शुरू हो गया मेरा, तो मेरी भाभियाँ मेरे घर आती हैं, वही करती हैं सारा काम, मैं उनके घर जाके रेस्ट करती हूँ, चिल मारती हूँ, इसलिए मैं जाती हूँ 2-3 हफ्ते बाद जाती हूँ, ज़रा रिलैक्स करती हूँ वहाँ पे। मुझे माशाल्लाह काम नहीं, मेरी माशाल्लाह भाभियाँ बहुत बहुत अच्छी हैं सारी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाभियाँ नंदे भी मेरी बहुत अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप के होते हुए लोग काफ़ी नहीं पूछते भाई, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, एक बहन है मेरी वो लाहौर में होती है, वो भी होती है तो यहाँ पे होती है तो बहुत आती है, तो बहुत ख्याल करती है मेरा, बहुत ज़्यादा करती है ख्याल, प्यार करती है। और आपको पता है बेटे हैं, बेटियाँ होती हैं तो बेटियाँ करती हैं काम, बेटे हैं
हसन मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी कर लेता था शुरू में, लेकिन अब उसका 9th का साल है तो उसकी उसने पढ़ना होता है, एकेडमी उसकी लगाई है तो इसलिए अब वो नहीं। अब हालांकि मैंने अब काम वाली भी लगवा ली है, लेकिन जो मैंने थोड़ा वो समेटना है, खाना पकाना है, और 4 महीने हो गए मैं घर में रोटी पका नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो सकती था तो खाना ही पका लूँ बड़ी बात है। तो मेरी बहुत तकलीफ़ के बस बर्दाश्त नहीं होती, बहुत तकलीफ़ होती, पूरी रात सोती रही हूँ मैं। अरे आंसू आ गए थे तकलीफ़ का सुन के, वो 4 महीने बड़ी तकलीफ़ में गुजारे मैंने। थोड़ा बहुत बेहतर होता है फिर तकलीफ़ शुरू हो जाती है बस। चलिए ठीक है, मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, इंशाल्लाह कल से फिर व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आज का बस अभी इतना ही, 3 दिन का बहुत हो गया। अब अपलोड करूँगी थोड़ी देर तक, अपलोड तक एडिटिंग करूँगी, फिर रात तक अपलोड करूँगी। तो चलें जी, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब अस एंड कीप सपोर्टिंग मी, अल्लाह डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस, अल्लाह हाफिज़।